मित्रों, जेल के अंदर सैलरी कितनी मिलती है? दोस्तों, जेल के अंदर एक दिन की पगार कितनी मिलती है? तो जब मैं 1995 में मेरी जब जेल एंट्री हुई, तब एक दिन का 7 रुपया और जो सीनियर थे उसको एक दिन का 8 रुपया पगार मिलती थी। जी हाँ मित्रों, और उसमें भी आधा पैसा जमा रहता था और आधा पैसा खर्च करने के लिए देते थे, जैसे कि साबुन, कोलगेट, कुछ नाश्ता मिलता था वही लेने के लिए। जो आधी पगार जमा रहती थी वो पगार जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था तब वो उसका पोस्ट में अकाउंट करके वो पोस्ट में जमा रखते थे, उसका ब्याज भी मिलता था। अगर वो पैसे में से अगर कैदियों को कुछ पैसा चाहिए तो उसको उसका रीज़न होना चाहिए, कुछ भी रीज़न बता के वो उसमें से 25% पैसा वो उठा सकता था, और बाकी के जो पैसे बचते थे पूरी सजा के दरमियान वो पैसा वो जब छूटता था तब उसको वो पैसा पुनर्वसन करने के लिए बाहर, मतलब वो पैसा का हेल्प हो इसके लिए देते थे। तो दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती गई, तो वहाँ जेल में भी सैलरी बढ़ती गई। तो पहले 7-8 रुपया था 1995 में, वो 3 साल के बाद लगभग वो डबल हो गया, यानी कि 14 रुपया हो गया और सीनियर को 16 रुपया हो गया। उसके बाद वो और ज़्यादा बढ़ गई पगार, 30 रुपये हुए और 40 रुपये हो गए। और आज सन 2023 है तो आज की पगार जेल की 70 रुपये है जूनियर कैदी को, और सीनियर कैदी को 80 रुपये रोज का है। तो समझ लो कि 2000 लमसम महीने का पगार हुआ, तो 2000 में आज की महंगाई में कुछ होता नहीं है दोस्तों। तो जब मैं अभी 5-6 साल के पहले मैं छूटा, उसके पहले मैं जब जेल में था तब एक मंजी भाई कानाणी करके जेल में आए, उसको आजीवन कैद की सजा लगी थी, वो भी दूसरे के लिए वो जेल में आए थे। तो वो उसकी मुलाकात आई, मुलाकात में उसने देखा कि बहुत गरीब लोग मुलाकात में, उसके बीवी बच्चे बाहर रो रहे हैं और वो मजूरी करके वो भाड़ा करके मुलाकात करने के लिए आए हैं, ऐसा सब वो चीज़ उसने देखा। तो वो रात को उसको नींद नहीं आई और उसने सोचा कि ये लोग गुनाह करने वाले गुनाह करके जेल में जरूर आए हैं, लेकिन सजा तो उसकी बीवी बच्चों को है, उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसको दिमाग में एक बात आई कि जेल में क्यों डायमंड की फैक्ट्री ना डाली जाए। तो उसने जेलर से बात किया, जेलर भी अच्छे थे, तो उसने आईजी साहब, जेल आईजी से परमिशन लिया और उसने वहाँ से परमिशन दे दिया कि आप वहाँ अंदर फैक्ट्री कर सकते हो कैदी के लिए। तो उसने पहले डायमंड का एक यूनिट अंदर डाला, उसमें 4 कैदी काम कर सकते हैं। तो जो कारीगर थे उसको वहाँ बिठाया और धीरे धीरे करके वो आज समझ लो उस 15 से 20 यूनिट कार्यरत है सूरत सेंट्रल जेल में। जी हाँ मित्रों, और उसमें पगार सैलरी 15 से 20 हज़ार एक कैदी को देते हैं। जी हाँ मित्रों, ये लगभग समझ लो कि ये इंडिया में रिकॉर्ड है कि इतनी सैलरी कोई कैदी को मिलती नहीं है। और वो कैदी आज उसका बीवी बच्चों को बाहर ठीक से रख सकते हैं और उसके बच्चे भी अच्छी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और बहुत सारे कैदी जेल से अंदर छूट के बाहर गए, उसको भी बाहर वेल सेट करने में मंजी भाई बहुत हेल्प करते हैं, और उसने जेल के अंदर भी गौशाला बनाई है और वो भी बहुत अच्छी तरीके से कार्यरत है। और वो बाहर सूरत मतलब सिटी के थोड़ा बाहर एक गौशाला है, वो भी वो चला रहे हैं। तो मतलब ऐसे भी सेवाभावी लोग जेल में आते हैं दोस्तों। और दूसरी बात कि हमने एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला है, मातृप्रवा चैरिटेबल ट्रस्ट करके, वो चैरिटी कमिश्नर से हमने लाइसेंस भी ले लिया है। तो जो कैदी जेल के अंदर है उसका पुनर्वसन के लिए हम बहुत उसको हेल्प करने वाले हैं, और खास करके जो सजा काट के जो कैदी बाहर आते वो गुनाह ना करे, क्राइम ना करे, इसके लिए हम उसको बाहर कोई भी धंधा में वेल सेट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। खास करके जो डायमंड वर्कर है उसको बाहर अच्छी फैक्ट्री में काम दिलवा के उसे वो हेल्प कर सके और बाहर गुनाह ना करे, ऐसी हमारी कोशिश है। तो दोस्तों, आज के टाइम पे सैलरी 70 से 80 रुपया मिलती है, लेकिन ये जो मंजी भाई ने एक रिकॉर्ड बनाया है इंडिया लेवल पे, और उसके लड़का जो है सुमित भाई कानाणी करके पटेल है, तो वो भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में उसका नाम लिखवाने में कोशिश चालू है, लगभग एक्सेप्ट हो जाएगा ऐसा मतलब मैसेज है। तो दोस्तों, ऐसे लोग भी जेल में है। मित्रों, मेरी ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।